हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप हमेशा की तरह आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया की सबसे खूबसूरत और रोमांटिक डेस्टिनेशन के बारे में। फ्रेंड्स, जिन कपल की नई नई शादी होती है, उनकी लाइफ में हनीमून बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इनफैक्ट यही वो समय होता है जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। दरअसल हनीमून आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए सुखद और मीठी यादें बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि इसके सहारे हम फ्यूचर में आने वाले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुशी खुशी आसानी से निभा सके। तो पेस है इंडिया के कुछ फेमस हनीमून डेस्टिनेशंस। सबसे पहला है गोवा। इंडिया के सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन में शुमार है गोवा। यहाँ के बीचेस पर आपको कपल्स हाथों में हाथ डाले घूमते दिखाई देंगे। वैसे गोवा की खासियत ही बीचेस है। ऐसे में आप अपने हमसफर के साथ हाथों में हाथ में खूबसूरत बीचेस पे, शानदार मौसम में रोस्टेड काजू, सी फूड और बेहतरीन नाइट लाइफ का मज़ा ले सकते हैं। गोवा में वाटर गेम्स और रिवर क्रूज़ का मज़ा आपके दिमाग को तरोताज़ा कर देगा। आप चाहे तो क्रूज़ पर कैंडल लाइट डिनर और नाच गाने का भरपूर लुत्फ़ उठा सकते हैं। गोवा की नेचुरल ब्यूटी आपके हनीमून को यादगार बना देगी। अब हमारा दूसरा डेस्टिनेशन है मनाली। हनीमून के लिए सबसे उपयुक्त डेस्टिनेशन में से एक है मनाली। चारों ओर हरियाली, खूबसूरत फलों के बगीचे, बादलों के कुछ छूते पहाड़, कल कल करते झरने, नेचुरल ब्यूटी के परिपूर्ण मनाली न्यूली वेडेड कपल्स के लिए एक शानदार हनीमून स्पॉट है। यहाँ सर्दियों के मौसम में पूरे इलाके में बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ जाती है। मनाली का मुख्य आकर्षण है यहाँ का रोहतांग दर्रा, जहाँ अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में बर्फीला मौसम रहता है और यहाँ हजारों टूरिस्ट आते हैं। मनाली से 13 किलोमीटर दूर है सोलांग घाटी। सोलांग घाटी में बर्फ और ग्लेशियर के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। आप मनाली में राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, आइस स्केटिंग का मज़ा ले सकते हैं। मनाली में नेचुरल ब्यूटी के साथ एडवेंचरस एक्टिविटी का भी आप लुत्फ़ उठाया जा सकता है। यहाँ पर आप पर्वतारोहण और ट्रैकिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। हमारा तीसरा डेस्टिनेशन है माउंट आबू। जैसे कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वैसे माउंट आबू को भी राजस्थान का स्वर्ग कहा जाता है। माउंट आबू का वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता राजस्थान के दूसरे शहरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ की नक्की झील बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है। नक्की झील के चारों ओर हरियाली और पहाड़ियों के खूबसूरत नज़ारा देखते ही बनता है। आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। माउंट आबू में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जहाँ पे आप तेंदुआ, स्लोथ बियर, वाइल्ड बोरा, सांबर, चिकारा, लंगूर ये सब देखे जा सकते हैं। यही नहीं, यहाँ पक्षियों की लगभग 200 से ज़्यादा प्रजातियाँ देखी जा सकती हैं। माउंट आबू में अचलगढ़ किला भी देखने लायक है। इसे मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने एक पहाड़ी के ऊपर बनवाया था। माउंट आबू का गुरु शिखर सबसे आकर्षक जगह है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट आबू के बाद जो डेस्टिनेशन बहुत पॉपुलर है हनीमून के लिए, वो है दार्जिलिंग। क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से मशहूर दार्जिलिंग हमेशा से एक बेहतरीन हनीमून डेस्टिनेशन रहा है। दार्जिलिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के चाय के बागान। दार्जिलिंग को चाय के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है। बंगाल के इस शानदार हिल स्टेशन की खूबसूरती सिर्फ चाय के बागान ही नहीं, बल्कि यहाँ की वादियाँ भी बेहद मनोहरी हैं। बर्फ से ढके सुंदर पहाड़, देवदार के जंगल, प्राकृतिक सुंदरता, कलकल करते झरने सबका मन मोह लेते हैं। दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन बहुत फेमस है। इसकी यात्रा के दौरान आप चाय के बागान, जंगल, तीस्ता और रंगीत नदियों का संगम सैलानियों का मन मोह लेते हैं। दार्जिलिंग में टाइगर हिल अपने सनराइज़ नज़ारे को लेके बहुत फेमस है।
मौसम साफ रहने पे दार्जिलिंग से माउंट एवरेस्ट की चोटी साफ दिखाई देती है। दार्जिलिंग में दुर्लभ प्रजातियों के जानवर जैसे पांडा, ब्लैक बियर, साइबेरियन बाघ, तिब्बती भेड़िया और अन्य प्रजातियाँ भी देखी जा सकती है। हनीमून डेस्टिनेशन की 5वीं जगह है अंडमान निकोबार। अगर आपको पानी पसंद है, पानी से बहुत बेहद लगाव है, तो अंडमान निकोबार आपके लिए जन्नत है। ये बेस्ट डेस्टिनेशन है जिन्हें पानी से बहुत ज़्यादा प्यार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 300 से अधिक खूबसूरत द्वीपों और टापुओं का समूह है। यहाँ पन्ना और मूंगा की चट्टानें भी मौजूद हैं। यहाँ सफ़ेद भालू और सुंदर समुद्र तट पर लंबे लंबे नारियल के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ समुद्र का साफ पानी आपका मन मोह लेगा। यहाँ पर आप सनबाथ, वाटर स्पोर्ट और सी फूड का मज़ा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात करी इंडिया के 5 खूबसूरत हनीमून डेस्टिनेशन की। हम फ्यूचर में भी ऐसे ही और वीडियो बनाएंगे जो हॉलीडेज डेस्टिनेशन पे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो जो रेड वाला बटन दिख रहा है, प्लीज़ उस पर क्लिक कर दीजिए और उसे ब्लैक कर दीजिए। मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक यू।